हरे कृष्ण। तो हम लोग पिछले 2 दिनों से इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। प्रभुपाद ने इसी व्याख्या को अपने भागवत के तात्पर्य में महाकोश, और आज हम अंतिम 2 देखेंगे, विज्ञान महाकोश हर वाली प्रश्नों के साथ की। हमने 2 तरह के प्रश्न देखे, तारागण ही और एक भारवाही। भारवाही 5 प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें हमने कल चर्चा शाक्त शाक्त धर्म। शाक्त धर्म मतलब जिनकी भौतिक इच्छा सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो उनकी अन्नमय से ऊपर जब हम जाते हैं तो फिर होता है शौर्य धर्म, जहाँ व्यक्ति इंद्र तृप्ति से ऊपर अपने प्राण को रखता है, अपने जीवन को रखता है, उसको अच्छी सेहत, मानसिक संतुलन चाहिए इत्यादि। यह उससे थोड़ा सा ऊपर प्राणमय कोश, शौर्य धर्म, सूर्य उपासना। तीसरा हमने देखा था मनोमय कोश, इससे ऊपर जब व्यक्ति जाता है अब मानसिक स्तर पर उसको इंद्रिय भोग चाहिए। शरीर पहले स्तर में क्या है, पहले स्तर में शरीर चाहे मन दोनों का शोषण हो, उसको इंद्रिय तृप्ति चाहिए। दूसरा स्तर है जहाँ वो थोड़ा अपने शारीरिक अवस्था के लिए चेतन हो जाता है, अवस्था है जहाँ वो मानसिक स्तर पर इंद्रिय भोग चाहता है, उजाला प्रतिष्ठा इत्यादि। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं चौथा, जो कि है शैव धर्म। शैव धर्म मतलब भगवान शिव के उपासक। हमारे वैष्णव समाज में यह अवस्था आती है जो हमारे अंदर मोक्ष की कल्पना होती है, की मुक्ति होती है, जिसमें प्रथम मुक्ति होती है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति को नरक के समान बताया गया आचार्यों ने, और वही मोक्ष कहलाता है। मोक्ष मतलब नेगेटिव मुक्ति। तो इस मोक्ष की धारणा कैसे भक्त समाज में भी आ जाती है वो हम चर्चा करेंगे। प्रभुपाद इसको बोलते हैं विज्ञानमय कोश, यानी ब्रह्मन रियलाइजेशन। जब निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्ति हो जाए, जब मुक्त होने की आसक्ति हो जाए, तो वह होता है शैव धर्म। जैसे प्रभुपाद जब शुरू में अमेरिका जाकर के प्रचार किए, और उन्होंने तो इसके पहले कई उसमें से हिप्पी हठ योग इत्यादि का पालन करते थे, तो उनको वही धारणा थी कि कैसे निराकार के ऊपर हमको मेडिटेट करना है। एक युवती आकर के प्रभुपाद को बोलती है कि प्रभुपाद जब मैं जप करती हूँ, मेरा जप इतना अच्छे से चल रहा है कि मेरे को दिव्य प्रकाश दिखता है और मुझे बड़ा आनंद उस समय महसूस होता है। प्रभुपाद बोले जप करते रहो, ये सब गड़बड़ चली जाएगी। प्रभुपाद ने उसको ज्यादा प्रेरणा नहीं दी। प्रभुपाद चाहते थे कि हम लोग इस स्तर से ऊपर। जैसे कई संस्थाओं में आप देखेंगे प्रवचन चलता है और लोग आँख मूंद करके बैठे रहते हैं, कभी कोई रोता है कोई। तो इस तरह एक नया भक्त था, वो इंडिया आया, उसने कहीं तो इस तरह देखा प्रभुपाद के प्रवचन में ऐसे ही बैठे थे आँख बंद करके। प्रभुपाद उसके ऊपर 20 प्रवचन बना रहे, तुम सो क्यों रहे हो? तो वो आँख बंद करके बोलता है कि नहीं, मैं सो नहीं रहा। प्रभुपाद बोलते नहीं, तुम सो रहे हो? नहीं प्रभुपाद, मैं पूरा सुन रहा। बोले अगर तुम क्लास में हेल्डोल नहीं रहे हो और प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, मतलब तुम सो रहे हो। ये हमको सस्ता मेडिटेशन नहीं चाहिए। हम प्रभुपाद बहुत स्ट्रिक्ट थे उसको लेके। लेकिन ये धारणा है हमारे जीवन में शैव धर्म के रूप में कैसे आती है, थोड़ा हम देखें। बाकी धर्मों के बारे में भी देखा, 3 स्तर हैं, संबंध, अभिनय, प्रयोजन। इसमें जो सेवित होते हैं वह होते हैं रुद्र। अभिधेय है उनकी उपासना, या तो नीति नीति के माध्यम से, जैसे मायावादी करते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा लगता है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, जगत में कुछ भी अच्छा नहीं है। तो ये धारणा भक्त समाज में आ सकती है। दूसरा है कि निराकार बनने की भावना, स्वयं को ईश्वर मानने की भावना, यह सब भावना आती है। और प्रयोजन होता है मोक्ष प्राप्त करना। हमारे भक्त समाज में ये कैसे आता है थोड़ा देखते हैं। आप लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये ब्रह्मचारी आश्रम का पिक्चर है, सब उथल पुथल पड़ा है और वो
ब्रह्मचारी आनंद में है, उसको लग रहा है कि वो डिटैच है, लेकिन वो डिटैच नहीं है, वो इररिस्पॉन्सिबल है। ये डिटैचमेंट विरक्ति और इररिस्पॉन्सिबिलिटी, इररिस्पॉन्सिबिलिटी में हिंदी में क्या गैर जिम्मेदारी, उर्दू शब्द है लेकिन ठीक है चल रहा है। तो दोनों में हाँ अपनी उत्तरदायित्व तो नहीं स्वीकार करना, उसमें सचेत ना होना, दोनों में बहुत ही कम अंतर देखने के लिए मिलता है बाह्य रूप से। विरक्त भी दूर से ऐसे दिखता है कि मानो उत्तरदायित्व नहीं ले रहा है, या जो उत्तरदायित्व लेने में आलसी है वो भी अपने आप को विरक्त समझ सकता है, लेकिन वास्तव में दोनों एक नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी का फोन खो गया, खोने के बाद बोलता है कि नहीं नहीं वह तो हम विरक्त थे, भगवान की इच्छा चला गया, तो इसको हम विरक्ति बोलेंगे या इरिस्पॉन्सिबिलिटी बोलेंगे? इरिस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार ये धारणा हमारे जीवन में आती है, तो हम पहले चर्चा करते हैं नीति नीति के बारे में। जैसे मायावादी जो शिव उपासक होते हैं, मुख्यतः शंकराचार्य भी भगवान शिव के ही रूप थे, उनका मुख्य प्रयोजन होता है कि वो हर एक वस्तु को एनालाइज करते हैं, हर वस्तु को गंभीरता से देखते हैं, और देखने के बाद उनका कंक्लूजन क्या होता है कि ये वस्तु ब्रह्म नहीं हो सकती क्योंकि इसमें दोष है। फिर वो दूसरी चीज को देखते हैं, बोले ये भी ब्रह्म नहीं हो सकती क्योंकि इसमें दोष है। फिर वो भगवान के विग्रहों पे भी आ जाते हैं, कह रहे देखो इनको हमको साफ करना पड़ता है, पेंटिंग हमको करनी पड़ती है, तो ये सब तो ये दोष ही है, तो इसके लिए ये भी बहुत ब्रह्म नहीं है। तो नेति नेति करके वो अंत में क्या कंक्लूजन पे निकलते हैं, कोई ब्रह्म नहीं है, मैं ब्रह्म हूँ, ये उनका कंक्लूजन होता है। भक्ति के जीवन में भी यही प्रवृत्ति हमारी आ जाती है, हमको हर चीज में गलती दिखती है, जैसे ही आते हैं मंदिर में वो गलतियां देखना शुरू हो जाती है। भक्तों के बारे में चर्चा हो, मान लीजिए किसी ने गलती से किसी भक्त का गुणगान भी हमारे सामने कर दिया, तो भी हमको हाँ ठीक है, लेकिन फिर हमारी प्रकाशन शुरू हो जाए। तो ये नेति नेति की भावना है जिसमें हम गलतियां देखते रहते हैं, और इतनी गलती देख बैठते हैं कि एक दिन हमको पूरा इस्कॉन, जो हमारा इस्कॉन मतलब क्या है, गुरु का आश्रम है, गुरु के आश्रम में ही हमको दोष देखने लगते हैं। मैं एक बार नॉर्थ कैरोलिना में थे और डीलैंड हमको जाए, पहली बार हमने ट्रेन ली थी, गुरुमाश पहली बार ट्रेन में बैठे थे अमेरिका में, तो वो ट्रेन के इंतजार करने के लिए स्टेशन पर बैठे, तो कुछ ऐसे थे जो इस्कॉन को छोड़ के गौड़ी मठ को ज्वाइन कर लिए, तो वो लोग मिलने के लिए आए थे स्टेशन पर, और गुरुमाश जी को बहुत गंभीरता से बात कर रहे थे और बहुत थोड़ा क्रोधित भी थे। तो वो लोग तर्क दे रहे थे कि देखिए हमारी क्या गलती है, ये तो इस्कॉन में उतना प्रेम नहीं मिलता है, उसमें हमारी क्या गलती है। तो गुरु महाराज बोले कि क्या तुम्हारा पड़ोसी तुमको दो चॉकलेट ज्यादा देगा तो पिताजी को छोड़ के पड़ोसी के पास चले जाओ, यह भावना कैसे आएगी। तो फिर उन्होंने बोला कि गुरु महाराज एक्चुअली इस्कॉन में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत जमेरा है, पॉलिटिक्स है, बहुत गड़बड़ है, वो लड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उन्होंने उसको नकारा नहीं, बोले हाँ ठीक है समस्या है, क्या कभी हमारे घर का कमरा गंदा होगा तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे, साफ करने की जिम्मेदारी किसकी, हमारी है। हम कब तक बोलते रहेंगे ये इस्कॉन वाले ऐसे करते, इस्कॉन वाले हम कौन से वाले हैं, हम इस कुटुंब वाले नहीं है क्या, हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या। ये मोक्ष की प्रवृत्ति नेति नेति विकार की अवस्था से हमको मुक्त होना चाहिए। और दूसरा जो हम चर्चा कर रहे थे इररिस्पॉन्सिबिलिटी, कई बार हमको लगता है कि हम भक्ति में आ रहे हैं, अब ज्यादा झंझट नहीं चाहिए, हम तो बाहर इतना झंझट झेल के आए हैं, भक्ति में आकर के हमको थोड़ा शांत रहने दो, यहाँ बैठ के हम जप करेंगे, शांति से बैठेंगे, लेकिन वास्तव में भक्ति का मतलब ये नहीं, भक्ति का मतलब है जिम्मेदारी लेना। हम लोग पिछली बार उपजा के जब बारे में चर्चा कर रहे थे, तब हमने कृष्ण रहे 11.5 साल 8 महीने, और बाद में मथुरा द्वारका इत्यादि में रहे, 125 वर्ष में से 11 साल हटा दिए, तो इतना समय जिम्मेदारी का समय था और 11 वर्ष वो खेलने कूदने का समय था। तो स्वयं के जीवन से सिखाया कि जब हम अपने जीवन में भी भक्ति में आते हैं, ठीक है कुछ समय ठीक है कि हमको कोई चिंता नहीं लेनी, हम बोलते चैंट एंड बी हैप्पी, लेकिन फिर आगे जाके जिम्मेदारी लेना चाहिए। जिम्मेदारियों से भागना ये मोक्ष प्रवृत्ति, शैव धर्म। हमको देखना चाहिए कि कहीं हम
भक्ति में आकर के आलसी तो नहीं हो रहे, वैराग्य के नाम पर हम आलसी तो नहीं हो रहे। मान लीजिए अभी हम सब बैठ करके क्लास सुन रहे हैं और कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो जाए, मान लो थोड़ी सी आग लग जाए, तो क्या हम लोग यही बोलते रहेंगे कि नहीं नहीं हमको क्लास सुनने दो, हम तुरंत जाकर के उसको बुझाएं? ये जिम्मेदारी होती है। तो प्रभुपाद जो अपने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिखते हैं, बहुत गंभीर बात है, कॉन्शियसनेस इज नॉट इमेजिनेटिव एक्सटेसी बट प्रैक्टिकल एक्टिविटी। यह कोई कल्पनीय भावनात्मक बात नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल एक्टिविटी। हम व्यवहारिक रूप से कितनी जिम्मेदारी ले रहे हैं, ये कृष्ण भावनामृत है। हम लोगों ने माधवेंद्रपुरी के बारे में भी चर्चा किया था। माधवेंद्रपुरी आध्यात्मिक जगत में कौन है? कल्पवृक्ष है। उनको जब भौतिक जगत में आना पड़ा आचार्य रूप से उद्धार करने के लिए जीवात्माओं, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब मेरी वेकेशन चल रही है। कल्पवृक्ष में उनकी जो सेवा थी आध्यात्मिक जगत में, वही सेवा यहाँ आकर के करी। कल्पवृक्ष का काम क्या है? कृष्ण को शीतलता प्रदान करना। यहाँ आके वही माधवेंद्रपुरी चंदन यात्रा शुरू कर शीतलता प्रदान करना। तो सेवाओं से भागना ये मोक्ष प्रवृत्ति है, भक्त की प्रवृत्ति नहीं है। जहां भक्त जाएगा वहां सेवा करें। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, वो जो ढेकी का, वो जो चूल्हे में हवा जिससे करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ढोकनी। तो ढोकनी चाहे नरक में ले जाओ, स्वर्ग में ले जाओ, भारत में रखो, अमेरिका में, उसका काम एक ही है, चूल्हे में हवा देना। तो प्रभुपाद ये एग्जाम्पल देते हैं कि भक्त का मनोभाव हमेशा होना चाहिए, मैं कैसे कृष्ण के लिए और ज्यादा कुछ कर सकूं। स्वयं प्रभुपाद ने करके दिखाया। जो वृंदावन को इतना प्रेम करते हो, जो धाम के प्रति जिनकी आसक्ति इतनी हो, बचपन में टाइम टेबल देखा करते थे कि कब मैं पुरी जाऊंगा, कब मैं कहाँ जाऊंगा, और इस प्रकार जो वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में रहने लगे, ऐसे सन्यासी वृंदावन छोड़कर के अमेरिका क्यों जाते हैं? जिम्मेदारी देते हैं। प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद मैं आपके चरणों में हमेशा रहना चाहता हूँ। प्रभुपाद बोले संभव नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा घूमता रहता हूँ, मेरे चरणों में तुम कैसे रहोगे? तो जिम्मेदारी ली। रिपोर्टर ने एक बार प्रभुपाद को इसे चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछा था कि आप लोग काम क्यों नहीं करते हो? प्रभुपाद बोले आपसे ज्यादा करते हैं, 70 साल की उम्र में मैं 1 साल में 2 बार विश्व भ्रमण करता हूँ, आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उस प्रकार से जिम्मेदारी लेना। तीसरा इसका पक्ष है, तीसरा इसका पॉइंट है, आपसी व्यक्तिगत संबंधों का ना होना, यह भी मोक्ष भावना है। मैं अकेले भक्ति करूंगा। मैं एक बार राधा गोपीनाथ प्रभु राधानाथ स्वामी महाराज के पास गए, मुझे थोड़ा पर्सनल टाइम चाहिए, पर्सनल में भक्ति पर्सनल करना चाहता हूँ। महाराज बोले हम तो रोज पर्सनल भक्ति करते हैं। कैसे? मंगल आरती में जब भक्तों के साथ खड़े होते हैं तो ये तो पर्सनली हम भगवान को भक्ति करते हैं। जब हम जब करते हैं तो पर्सनली जब करते हैं, तो हर चीज में वो पर्सनली है लेकिन भक्तों के साथ में। अकेले रहकर ये भक्ति नहीं की जा सकती, मोक्ष प्रवृत्ति है ये अनर्थ है कि जहाँ हमारे भक्तों के साथ संबंध मधुर नहीं। तो उस प्रकार से हम लोग अपने आप को चेतावनी दे सकते हैं। कई बार अभी एक जो रिसेंट हमारे अंदर अनर्थ आ सकता है वह है कि क्योंकि इतना सारा ज्ञान अभी ऑनलाइन अवेलेबल है, हम लोग किसी भी लेक्चर लाइब्रेरी में जाइए, अपनी पसंद से अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो करके चूज कीजिए, सुनने बैठ जाइए, ये यूट्यूब में जो अच्छा लगता है उसके घंटों घंटों लेक्चर सुनिए। लेकिन भक्तों के संग में आने में हमको तकलीफ होने लगती है। क्यों ऐसा होता है? ये मोक्ष प्रवृत्ति। हम अकेले बैठ करके भक्ति करेंगे, हम भक्तों के संग में आना चाहेंगे। प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स थे, अगर हम उनके जीवन को देखें, उन्होंने जिस प्रकार अपनी जीवनी बताई कि कैसे स्कॉन में आए, कोई भी ऐसा नहीं था कि केवल प्रभुपाद की पुस्तक उसको मिली हो और वो घर में बैठकर के भक्ति कर रहा। वो शुरुआत के लिए ठीक है, यूट्यूब शुरुआत के लिए ठीक है, हमारे जीवन में किसी ने भक्त ने बुक भेज दी, प्रसाद भेज दी, शुरुआत के लिए ठीक है, लेकिन उसका गंतव्य क्या होना चाहिए? भक्तों के संग में आना चाहिए। प्रभुपाद के शिष्यों ने फिर मंदिर में योगदान दिया, फिर भक्तों के साथ उनको समन्वय बिठाया, आगे जाके सेवा की और अभी तक कर रहे हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि हमारे अंदर वो मोक्ष प्रवृत्ति ना आ जाए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोला करते थे, गुरु शिक्षा तब तक काम नहीं करती जब तक हम गुरु दक्षिणा नहीं देते। ये केवल दीक्षा के दिन नहीं होता है,
दीक्षा के दिन हमने थोड़ी झोली में दक्षिणा ली और दे दी और खत्म कर। गुरु दक्षिणा रोज देनी पड़ती है। कैसे देनी पड़ती है? हमारा भक्तों के साथ संपर्क को और मधुर करके। क्या अपेक्षा है प्रभुपाद की? क्या अपेक्षा है? इफ यू लव मी कोऑपरेट विद ईच अदर। ये गुरु दक्षिणा है, ये सबसे बड़ी तपस्या है। कार्तिक व्रत करना बड़ी तपस्या नहीं, पुरुषोत्तम व्रत करना बड़ी तपस्या नहीं, चातुर्मास करना बड़ी तपस्या नहीं। परसों एकादशी, एकादशी तो खैर हमारे फेस्टिवल ही होता है, तो एकादशी करना बड़ी तपस्या नहीं। सबसे बड़ी तपस्या क्या है? भक्तों के साथ समन्वय बिठा के आगे कॉपरेट। कॉपरेट टॉलरेट से एक स्टेप आगे है, टॉलरेट नहीं है। टॉलरेट कई बार प्रेशर कुकर बन जाता है। प्रेशर कुकर मतलब अब भरते जाइए भरते जाइए, फिर या तो सीटी आएगी या फटेगा, दो चीजें होंगी। लेकिन कॉपरेट एक स्टेप हाई है। कॉपरेट कैसा होता है कि रात में आप लोगों ने कभी ड्राइविंग की हो सिंगल रोड में, तो सामने वाले का भी लाइट हाई है, आपका भी हाई है, तो क्या करना पड़ता है? दोनों को रोक लेना पड़ता है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ये कॉपरेट होता है, झुकना पड़ता है, नहीं तो भक्तों के बीच कैसे संपर्क सुधरेंगे? हमारा ये परिवार है, यह सोचना चाहिए। परिवार में होते हैं कोई फूफा जी होते हैं जो नक्चड़े होते हैं, कोई मौसी होती है जो ज्यादा बोलती है, होता है। तो क्या हम उनको छोड़ देते हैं क्या? हमको पता है कि गड़बड़ है, ऐसा नहीं गड़बड़ नहीं है, हमको पता है, लेकिन हम फिर भी साथ में लेके चलते हैं। उसी तरह भक्तों का समाज हमारा परिवार, उस प्रकार से हमारी भावना होनी चाहिए। और तब हम जब गुरु की सेवा करेंगे तो गुरु अपने आप कृपा देंगे। हम लोग अकेले बैठकर के सेवा करने का प्रयास करेंगे, कभी गुरु कृपा नहीं देंगे। गौर किशोरदास बाबा जी के पास एक बहुत ही प्रकार विद्वान गए और वो जानते थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बहुत बड़े महाभागवत हैं, और उनकी चरणों की धूल लेने के लिए वहां प्रयास करने लगे और जबरदस्ती धूल ले ली। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने उनको क्रोध में बोला कि आप नरक में जाओगे, ऐसी कृपा नहीं करते, सीधा हम करते हैं। और वही गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज इतने विनम्र थे, कुछ सालों बाद जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती को खुद बुलाते हैं और अपने दोनों पैर उनके सिर पर रखते हैं, कृपा मिलती है, छीनी नहीं जाती। तो अगर हम उस प्रकार से गुरु के आदेशों को पालन करेंगे तो कृपा अपने आप मिलेगी। चैतन्य महाप्रभु इस विषय में रघुनाथ दास गोस्वामी को उपदेश देते हैं कि कैसे मोक्ष प्रवृत्ति मरकट वैराग्य के समान है। मरकट वैराग्य हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, यह भक्ति नहीं है, ये मायावादियों का पथ है। क्या चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं? मरकट वैराग्य ना करो लोक दिखाइया, यथा जो के विषय बुझे अनंत सब कर लिया। पढ़िए एक बात, जोर से पढ़िए। यहाँ पर बताया है ये ग्रस्त लोगों के लिए उपदेश है। रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय ग्रस्त उपदेश, बाद में वैराग्य उपदेश अलग देंगे, भालो ना खाई और भालो ना पड़ी वो बाद में आएगा, लेकिन ये ग्रस्त लोगों के लिए उपदेश मुख्यतः है। मरकट वैराग्य दिखाने की आवश्यकता नहीं, जथा योग्य जैसा जरूरी है वैसा हमको विषयों से कामकाज करना पड़ेगा। हम ये डिसाइड नहीं करेंगे क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। ठाकुर या बोलते हैं और बड़े आचार्य ने उसको बहुत बार रिपीट किया है, भालो मंद नहीं जानी सेवा मात्र करी, तुम्हारे संसारे आमी विषय प्रभारी। जानता अच्छा क्या है, मैं नहीं जानता बुरा क्या, क्योंकि छोड़ने के लिए जाएंगे तो हर सेवा में त्रुटि है, फिर कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन तुम्हारे संसारे आमी विषय प्रभारी, आपका संसार, ये आपका घर है, ये आपका मंदिर है, ये आपका प्रचारकार है, मैं केवल विषय प्रभारी, मैं केवल एक वॉचमैन जैसा, मैं संभाल रहा हूँ आपकी प्रसन्नता के लिए। यह भावना भक्त के अंदर होना चाहिए, और अगर इस प्रकार भावना होगी तो क्या होगा? अंतरिष्ठ करो भैरुक व्यवहार, अचिरात माय करि हे कृष्ण उद्धार। पढ़िए माता जी जोर से। बाह्य रूप से मरकट वैराग्य दिखाने की अवस्था नहीं होनी चाहिए, अंतर से वैराग्य होना चाहिए। हम अपने अनर्थों से कितना वैराग्य बने, आसक्तियों से कितना वैराग्य लिया है। बाहर से यथा योग्य जो सेवा है वो हमको करनी है, हमको काम करना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कभी निर्जन भजन को प्रोत्साहन नहीं देते थे। एक शिष्य था छत पे बैठकर के जप करता था अकेला। भक्ति सिद्धांत क्या बोले?
तुम्हारे माला खींचने से तुम भगवत धाम नहीं जाओ, जब भी नहीं बोले उसको, तुम्हारे माला खींचने से तुम भगवत धाम नहीं जाओ, ये जब नहीं है, ये माला खींचना पड़ा। गुरु महाराज भी अपने निजी जीवन से उदाहरण बताते थे, पर वो मायापुर में योगपीठ पे चले गए जप करने के लिए, वापिस आए प्रभुपाद ने उनको पूछा कि कहाँ गए थे आप, मैं बोला मैं योगपीठ में गया था, गए थे जप करने के, तो जब यहाँ नहीं होता है मैं वहाँ शांति से जप करने गया, इतना नाराज हो गए प्रभुपाद, तुम कृष्ण भावना में अपनी शांति प्राप्त करने के लिए आए हो क्या, शांति प्राप्त करने के लिए नहीं आए, अशांत होने के लिए आए, वृंदावन कृष्ण के आने के पहले शांति तो था, कृष्ण आने के बाद रोज तीन चार असुरों को कंस भेजता था, तो क्या अच्छा है, कृष्ण की उपस्थिति अच्छी है या बिना कृष्ण की शांति अच्छी है। जैसे मानो किसी का बच्चा है बहुत रोता है रात भर परेशान करता है, तो सॉल्यूशन क्या है, बच्चे को कहीं छोड़ के आ जाओ शांति, यह शांति है, यह शांति नहीं है। उस प्रकार से ऐसा नहीं, अभी परिपक्व अवस्था तक जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, तब तक गुरु आके मानी पड़ेगी। हम नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में देखते हैं, नरोत्तम और श्रीनिवास आचार्य ने कृष्ण का दर्शन साक्षात गोवर्धन की गुफा में किया, और जब कृष्ण का दर्शन किया उनके अंग की सुगंध उन्होंने प्राप्त की, अचेत होकर के वहां पर गिर गए। बाद में भी नरोत्तम को हम देखते हैं ललिता सखी ने सेवा दी राधा रानी की, बहुत बार राधा कृष्ण का दर्शन हुआ, फिर बाद में किस काम में लगाया, जाओ किताब बांटो जाकर के, उन्होंने ये नहीं बोला हमने राधा कृष्ण का दर्शन कर लिया अभी कहाँ उनको किताब बांटने के लगा है, तो सेवा तो देख के देनी चाहिए, नहीं चुपचाप तीनों डाइन बैठ करके चले गए किताब बांटने के। यह गुरु के प्रति समर्पण है, मोक्ष भावना से मुक्त होना है, जब तक हमारी स्वतंत्र भावना रहेगी तब तक मोक्ष भावना, स्वतंत्र होने की भावना। हमने एक और कथा चर्चा की थी बहुत पहले हरिवंश के बारे में, गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे और गोपाल भट्ट गोस्वामी के अधीनस्थ सेवा करते थे, लेकिन इतना परिपक्व भक्ति में हो गए राधा रानी उनको दर्शन देने लगे, राधा रानी आकर के उनको एकादशी के दिन पान दे करके उन्हें खा लिया, राधा रानी स्वयं आकर के क्या देंगे, पत्थर देंगे पत्थर भी खा लेंगे, पान दे करके गई पान खा लिया। अब पान खाने के बाद तो मुख लाल हो जाता है, गोपाल भट्ट गोस्वामी के सामने जब गए उन्होंने पूछा क्या खाया है, पान काटा, क्यों पान खाना चाहिए और एकादशी के दिन, उन्होंने राधा रानी ने दिया, बोले राधा रानी दे कृष्ण दे दोनों मिलके दे पान नहीं खाना, ठीक है बात मान के चले गए। 15 दिन बाद फिर एकादशी है, फिर राधा रानी का दर्शन, फिर राधा रानी पान दिए, फिर खा लिया, गोपाल भट्ट गोस्वामी फिर पता पड़ा, फिर उनको बुलाया, तुमको मना किया फिर तुमने पान खाया, सॉरी सर फिर मना किया, ठीक है मान के चले गए, माना है भाई रूप से अंतर से फिर भी नहीं माना। तीसरी बार फिर एकादशी आई, फिर पान दिया, फिर पान खा दिया, इस बार गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनका त्याग कर दिया। तो नई नई गलती करें, सेम गलती करना नहीं चाहिए, उससे पता पड़ता है गुरु की प्रति शरणागत नहीं। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने त्याग कर दिया, कुछ डकैत आए हरिवंश का गला काट के अमर बन गए, राधा रानी ने दर्शन दिया हो क्या उसे कृष्ण सुरक्षा नहीं करते हैं, लेकिन गुरु ने त्याग दिया ना, सबने एक साथ त्याग देते हैं, देवी देवता त्याग देते हैं, राधा कृष्ण त्याग देते, पूरी परंपरा त्याग देती है, गुरु से तो हमारा संपर्क है, लेकिन हमारी प्रवृत्ति उस प्रकार होती है। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं ना कि तुम्हारा कुकुर, कुकुर बोल के कुत्ते का कैसा स्वभाव होता है, तो उस गान में लिखते हैं बांधिया राखी को बांधिया करते हैं, बांध के मुझे रखना तुम्हारे तुम्हारे द्वारे, बांध के क्यों रखना, क्योंकि मेरी प्रवृत्ति है बांधने की, कुत्ते को देखा है ना आपने तो छोड़ देंगे तो चला जाएगा, फिर लोग पीट देंगे फिर वापस आ जाएगा, तो हमारी ऐसी प्रवृत्ति है, बार बार गुरु को छोड़ के चले जाते हैं, फिर माया जब पीटती है तब याद आता है यहाँ फिर वापस, फिर थोड़े दिन अच्छा लगता है फिर बांधने की इच्छा होती है, इसलिए बांधिया रखिए। इस प्रकार स्थिति ऐसे सिद्ध व्यक्तियों की भी हो गई जिनको राधा रानी ने दर्शन दिया, अभी यमुना में पड़े हैं, अगले दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी स्नान करने के लिए गए,
पैर में स्पर्श हुआ हरिवंश से, स्पर्श से हरिवंश बोलने लगा है गुरु महाराज, तब पुनः जीवन दान दिया गोपाल भट्ट गोस्वामी ने। ये कोई सत्ययुग की बात नहीं है, 400 साल पहले की बात। कहने का अभिप्राय यह स्वतंत्र होने की भावना जो है भक्ति जीवन में मोक्ष प्रवृत्ति, बड़ो दुख पाई अच्छी स्वतंत्र जीवन है। कि स्वतंत्र जीवन में बहुत दुख है, भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं कि मुझे बताने में दुख हो रहा है, इतना दुख है। मैं जब स्मरण करता हूँ स्वतंत्र जीवन में कितना दुख है, मुझे बोलने में दुख हो रहा है। इस प्रकार से प्रवृत्ति से बचना चाहिए। शैव धर्म है जिनकी इस प्रकार से दो चार बातें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस प्रकार दोष दर्शन की प्रवृत्ति, नेति नेति की प्रवृत्ति, स्वतंत्र होने की प्रवृत्ति, भक्तों के साथ संपर्कों में खटास इत्यादि इत्यादि, इन सब के लिए भगवान शिव बांसुरी बजाएं। तो इस प्रकार की मुक्ति भावना, मोक्ष भावना से मुक्त होना चाहिए। इसके बाद आता है वैष्णव धर्म। ये वैष्णव धर्म यद्यपि होना चाहिए चिन्मय, लेकिन यहाँ पर ये वैष्णव धर्म है भौतिक आकांक्षाओं के साथ। ये भी एक सूक्ष्मातिसूक्ष्म इच्छा रह गई कि हम भगवत धाम चले जाएं, यह इच्छा भी एक अनर्थ है। यद्यपि श्रील प्रभुपाद अपने प्रवचन में बताते हैं कि हमारा लक्ष्य है भगवत धाम जाना, हमें भगवत धाम वापस लौटना है, बैक टू गॉड है, लेकिन वह जो निर्देश है वह बद्ध जीवात्मा को प्रोत्साहित करने के लिए है। शुद्ध भक्त के लिए प्रभुपाद ने क्या बताया है कि कहीं भी रहे नरक अपवर्ग स्वर्गेषु अपि तुल्यार्थ दर्शनम, यह भक्त की अवस्था है। निरपेक्ष तीन तरह के भक्त होते हैं भक्तिनाथ ठाकुर जैव धर्म बताते हैं। पहले स्वनिष्ठ, स्वनिष्ठ मतलब जो स्वयं की इंद्र तृप्ति भी चाहते हैं और भक्ति भी चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा मजा भी चले भक्ति भी चले, ये स्वनिष्ठ। परिनिष्ठ भक्त बोलते नहीं नहीं भौतिक संसार में बहुत झमेला है, यहाँ पर हम लोग फंस जाएंगे, तुम जल्दी जल्दी मुक्त होकर के चले जाए, ये परिनिष्ठ भक्त। लेकिन सर्वोत्तम भक्त है निरपेक्ष भक्त। निरपेक्ष जो भक्त है वह किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं रखते। आप इंद्र तृप्ति दीजिए, आप कष्ट दीजिए, मोक्ष में दीजिए, बंधन में दीजिए, हम आपकी भक्ति करेंगे, यह निरपेक्ष। और उद्धव को एकादश स्कंद में भगवान यही निरपेक्ष भक्तों के बारे में बताते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम। ऐसे निरपेक्ष भक्त जो है इनके चरणों की धूलि से मैं पवित्र होता हूँ, संसार को पवित्र करता हूँ। ये भगवान बोलते हैं कि मैं पूरे संसार को इनके चरणों की धूलि से पवित्र करता हूँ, मैं स्वयं पवित्र होता हूँ। निरपेक्ष भक्तों की इस तरह स्थिति होती है। इस तरह हमारे जीवन में हमें स्वतंत्र भावना से बचना है, मुक्त होने की भावना से बचना है, भगवत धाम जाने की भावना से भी बचना है। कई बार हम लोग हैप्पी बर्थडे जब गाते थे तो लास्ट में गाते थे ना मे यू नेवर कम अगेन, गाते गुरुमा ने बंद कर दिया, उन्होंने हाउ यू आर डिसाइडिंग यू विल नेवर कम अगेन, लेट कृष्णा डिसाइड, आपके डिसाइड करो आपको वापस नहीं आना है, कृष्ण यदि चाहेंगे वापस आना पड़ेगा। भक्त का मनोभाव नहीं है कि हम वापस नहीं आए, या फिर भौतिक आकांक्षा। इसमें संबंध यद्यपि लक्ष्मी नारायण सीताराम राधा कृष्ण से ही होता है, लेकिन इसमें प्रयोजन होता है चार प्रकार की मुक्ति, और इसीलिए ऐसी प्रवृत्तियों से हमको बचना चाहिए। चैतन्य भागवत में इसका एक प्रमाण है। हम लोग जानते हैं चार मुक्तियाँ जो सकारात्मक मुक्तियाँ बताई हैं, सामीप्य, सालोक्य, सारिष्टि, सालोक्य। तो यह चार जो मुक्तियाँ हैं इनमें क्या दोष है चैतन्य भागवत में बताया है। कृष्ण बोलते हैं जब मैं मथुरा गया, मथुरा में प्रथम भेंट मेरी धोबी से हुई, जो कंस का धोबी था, सड़क पे ऐसे चलता था जैसे वो स्वयं ही राजा था। वो राजा नहीं था लेकिन वो कंस का धोबी था, तो ऐसे ही चलता था, और उसके कई अनुयायी थे, ऐसा दूर खुद नहीं उठा के लेके जाता था, कई सारे उसके असिस्टेंट थे जो पीछे चलते थे, कई दो चार लोग आगे से लोगों को हटाते थे उसके रास्ते में से, इतना खतरनाक था। जब कृष्ण बलराम को देखा लोगों ने हटाने की कोशिश की, कृष्ण बलराम थोड़ी हटते,
तो धोबी को बड़ा गुस्सा है। अब कृष्ण जा करके एकदम उसके सामने जाकर खड़े हो गए, पहले ही रास्ता नहीं दिया था तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, ये सामने आके खड़ा हो गया छोटा सा कृष्ण 11.5 वर्ष और ये धोबी एक बार जटिल कठिन बड़ा बलिष्ठ था। तो कृष्ण उसको बोलते हैं कि हमको थोड़ा ये वस्त्र दे दीजिए, बहुत क्रोधित हो गया, अपमान करने लगा उसको, थोड़ा सा ये करा ग्रे बोला है, हाथ के आगे का भाग थोड़ा सा स्पर्श किया, वहीं पर ऑन स्पॉट मर्डर हो गया, खत्म, डेड बॉडी बीच में पड़ी है और सब जो वो जो असिस्टेंट थे सब कपड़ा वपड़ा छोड़ के भाग गए, बोले हमारे का ये काल किया हमारा क्या करेंगे। तो चैतन्य भागवत में ये भागवत में है, लेकिन चैतन्य भागवत में कृष्ण बोलते हैं, वो बताते हैं कि क्या ये धोबी वास्तव में ये भाग्यवान था, ये मेरे सामने था, ये कौन सी मुक्ति नहीं है बताइए, समीप है, ये सालोक्य है, मथुरा में है। चैतन्य भागवत में बोलते हैं इस धोबी ने करोड़ों करोड़ों जन्म वसुदेव की आराधना की थी, भगवान विष्णु का जो वसुदेव मथुरा में जन्म लेने के लिए करोड़ों करोड़ों वर्ष, और उसको मथुरा में जन्म मिला, लेकिन उसने क्या किया, भक्ति विहीन ऐसे जन्म का क्या अर्थ है। भावना अगर हमारे मन में रहेगी, भगवत धाम अगर गलती से पहुंच गए तो पहुंचेंगे नहीं, लेकिन मान लो पहुंच भी गए तो क्या अर्थ है उसका, चैतन्य भागवत में बोलते हैं। इसीलिए निरपेक्ष भक्त जो है उनकी कोई अपेक्षा नहीं, दरिद्र थे तो भी कृष्ण भावना करो, जब उनको धन मिल गया तो भी कृष्ण भावना, जैसे प्रहलाद जब विपदाओं में थे तो भी कृष्ण भावना करो, जब संपदा में आए तो भी कृष्ण भावना करो। ध्रुव पहले यद्यपि उनकी बहुत ही इच्छाएं थी, लेकिन जब भगवान ने शुद्ध कर दिया, भगवान ने राज्य दिया, ध्रुव लोक में राज्य संभाल रहे हैं, और अगर भगवत धाम जाएंगे वहां भी वही वही काम करेंगे, निरपेक्ष भक्त। तो इस तरह के निरपेक्ष भक्तों को छठवें स्तर पर बोला जाता है, जिसको बोलते हैं जैव धर्म। जीवात्मा का जो धर्म है वह है वास्तव में जैव धर्म, सनातन। सनातन धर्म है कृष्ण की शुद्ध भक्ति, इसका स्तर पांचों स्तर से ऊपर है, इसमें भक्त की कोई अपेक्षा नहीं होती, इसमें सीधा संबंध होता है राधा कृष्ण से। जो वैष्णव है उनका संबंध अविधेय प्रयोजन एकदम क्लियर है, उनमें कोई डाउट नहीं है, एकमात्र आराध्य है राधा कृष्ण। अविधेय क्या है, अविधेय क्या है, हाँ रागमल भक्ति है, सही है, रागमल भक्ति क्या है, हाँ राग आत्मिका भक्तों को अनुगत पालन करना, उनका अनुगत होकर के भक्ति करना, ये राधा नंदा भक्ति। पर कई स्वान भक्तों को बाहर के संप्रदाय के लोग बताते हैं कि आप प्रभुपाद ने सब कुछ नहीं दिया है, हमारे पास आइए हम आपको और आगे बताएंगे। इसलिए बताया गया है वैधिक साधना भक्ति करने से प्राप्ति ही होगी, कोई प्राप्ति नहीं होगी, जब तक रागमल भक्ति का अनुग्रह प्राप्त नहीं होगा। प्रभु भक्तिचर्य हमारे अच्छे कहते थे बात कि हु इज द बेस्ट रागमल भक्ति, कुछ बड़े राधा नहीं, एंड हु इज राधा नहीं चैतन्य महाप्रभु, एंड वी आर फॉलोइंग चैतन्य महाप्रभु, ऑल्दो वी आर परफॉर्मिंग वेरी साधना भक्ति और रागमल भक्ति। मैं उसी विषय में जाना चाह रहा था, वास्तव में एक संप्रदाय है जिन्होंने खूब इस्कॉन के भक्तों को यह प्रेम वर्ष किया, आप लोग को राधा का भक्ति इस्कॉन में नहीं मिल रही, वो सवेदी भक्त लगे और प्रभुपाद के दिए हुए नामों को भी चेंज कर दिया, दोबारा से दीक्षा दे दिया, बोले नहीं नहीं आपके सब नाम वैकुंठ के नाम हैं, हम आपको वृंदावन के नाम दें। गुरु महाराज को बड़ा क्रोध आया एक बार, उनको बोला वो सन्यासी का नाम भी वैकुंठ का नाम नहीं था, नाम नहीं देंगे, लेकिन बोले आपका नाम वैकुंठ का नाम है, आप दूसरों को बोल रहे हैं। तो तभी गुरु महाराज ने बताया था यह सिद्धांत और बहुत अलग अलग जगह पर जाकर के इसके ऊपर प्रवचन किए। साधन भक्ति और राधन भक्ति दोनों में भाई अंतर हम देखते हैं, साधन भक्ति मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, राधन भक्ति मतलब जब स्पॉन्टेनियस अपने मन से अंदर से कृष्ण के प्रति प्रेम सेवा का भाव इत्यादि है, ये भाई एक
लेकिन इसका सूक्ष्म अंतर हम लोग आज प्रतापपुत्र की कथा में भी देखेंगे, प्रभुपाद तात्पर्य में भी लिखते हैं, गुरु महाराज का मनोरंत नहीं है, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं चैतन्य चरितामृत। तो प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे रागन होना, मतलब रागात्मिका भक्त का अनुगत्य होना, यह रागन होता है। क्योंकि जब हम उनके अनुगत्य होंगे वो हमको राग भक्ति में लगा देंगे, उनका वो स्तर है। हाँ, उसमें अभी चैतन्य चरितामृत आएगा, तो उस प्रकार से वो रागात्मिका भक्ति में लगा देंगे। अंतर क्या होता है, बाह्य रूप से दोनों एक ही दिखते हैं। जैसे मान लो हम गुरु आज्ञा से सोलह माला कर रहे हैं, एक सोलह माला करना है कि अरे मेरे को पाप लगेगा, मैंने यज्ञ के सामने वैष्णव के सामने मैंने व्रत लिया है, यह साधन भक्ति होगी। और गुरु के प्रति प्रेम से कि नहीं गुरु ने मुझे ये मंत्र जप करके माला दी है, कृष्ण प्रेम साक्षात है, प्रेम से जप करता है, वही राधात्मिका होगा। तो दिखती है वेदी भक्ति, लेकिन राधात्मिका भक्त को प्रेम से अनुसरण करना, अनुगत्य होना, ये राधात्मिका भक्ति होती है। प्रकार का जब हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु को अनुयायी हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा रानी है, राधा रानी से बड़ा कौन राधात्मिका भक्त हो सकता है? फिर राधात्मिका भक्त राधा रानी से बड़ा है क्या? नहीं। तो वही चैतन्य महाप्रभु भक्तों को बोलते हैं आओ सभी साथ में संकीर्तन करेंगे, फिर बेटा के प्रसाद खिलाते हैं, फिर बेटा के गुंडी जो मार्जन कराते हैं। यह जो वैदिक भक्ति बाहर से दिख रही है ये वास्तव में है राधा भक्ति, क्योंकि चेतन का स्तर चेतन महाप्रभु का राग भक्ति का है। जब हम उस प्रकार से अनुसरण करते हैं राग भक्ति कर रहे हैं। प्रभुपाद ने वास्तव में हमको सब कुछ दिया है, हमको केवल ये ठीक से अध्ययन करने की आवश्यकता है। प्रकार से यहाँ पर सिद्धांत बताया गया है कि कैसे हम लोगों की समस्या है कि हम लोग गुरु निर्देश को प्रेम से पालन नहीं करते, और इसीलिए आर ना करियो मने आशा का उल्टा क्या है, बहुत सारी आशाएं हमारे हृदय में आ जाती है। गुरु के जब वाक्यों को चित्त से एकाकीकार नहीं करेंगे तो बहुत सारी आशाएं हमारे मन में आ जाती हैं। इसीलिए हमको आचार्य निष्ठा होनी चाहिए, आचार्य के प्रति निष्ठा विश्वास होना चाहिए। रागनों का भक्ति तक यदि पहुँचना है तो आचार्य निष्ठा दिखानी पड़ेगी। हम चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण चर्चा कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु की शुरुआत कैसी थी वो देखना चाहिए। जो भी आचार्य अपने लक्ष्य तक पहुंचे हैं उनका जीवन आदर्श है, उन्होंने कैसी शुरुआत की वही शुरुआत हम करेंगे, उन्होंने जैसे अपना अभिदेय किया वैसे हम करेंगे, तो हो सकता है प्रयोजन तक भी पहुंच जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु की शुरुआत कैसी थी, जब ईश्वरपुरी से प्रथम बार मिले उसके पहले तो चैतन्य महाप्रभु एक तरह से प्राय तार्किक ही थे, प्राय विद्वान जैसी लीला कर रहे थे, लोगों के साथ शास्त्रार्थ करते थे। लेकिन जब गया में जाकर ईश्वरपुरी से मिले पूरा चेंज, क्या क्या अवस्था में आ गए। बाद में जब वाराणसी में प्रकाशानंद सरस्वती को बोलते हैं कि आप क्यों वेदांत नहीं पढ़ते, आप सन्यासी हैं, आपको वेदांत पढ़ना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, निराकार इस तरह आप तो खुद सन्यासी मतलब नारायण हो गए हैं, दंड ग्रहण मात्र नर नारायण भवे, नारायण हो गए हैं सन्यास लेके, तो आप क्यों ये सब काम नहीं करते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, प्रभु कहे सुनो श्रीपा विहर करण गुरु मोरे मूर्त देखी गुरु दशासन। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकाशन सरस्वती को बोलते हैं कि मान्यवर कृपा इसका कारण सुनिए, मेरे गुरुदेव ने मुझे एक मूर्ख समझ कर मेरी भर्सना की। चैतन्य महाप्रभु ने जो संकीर्तन की शुरुआत की, यद्यपि उनको तो संकीर्तन करना ही था, लेकिन उसकी शुरुआत करने का जो अभिनय किया है वो भी बड़ा शिक्षाप्रद है। मान लो ईश्वरपुरी उनको बोलते नहीं तुमको यज्ञ करना है, तो चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते थे नहीं करते थे? हम लोग बोलते हैं गीता का जो सार है वो क्या है, सर्वधर्म करते थे नहीं है, मनमाना भक्तों भी नहीं है, यह गीता का सार है। जहाँ अर्जुन बोलता है करिष्ये वचनंतरम, ये गीता का सार है। मानो कृष्ण उस समय बोलते नहीं मेरे भक्त मत मानो, दुर्गा उपासक बन जाओ, तो क्या करना चाहिए था, दुर्गा उपासक बनना था। यह शुद्ध भक्ति होती है। जहाँ हमारी स्थिति में हम समझे कि हम मूर्ख हैं, हम अपना डिसीजन नहीं ले सकते हैं, हम आप जो बोलेंगे वो हम करेंगे, यह शुद्ध भक्ति है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु वही बता रहे हैं आदि लीला सप्तम अध्याय प्रकाशानंद सरस्वती, गुरु ने मुझे मूर्ख देखा करीला शासन, तुम्हारा वेदांत पढ़ने का अधिकार नहीं है,
मूर्ख तुम्हें तुम्हार नहीं को वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जपो सदा ही मंत्र सार। पढ़िए इस पर माता जी की ओर से पढ़िए। जो सभी ब्रह्मन परमात्मा सबके स्त्रोत्र है, राधा कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु वो स्वयं को मूर्ख बता रहे हैं, और हमको लगता है नहीं नहीं गुरु जी ने ये बात बोली है थोड़ा ठीक नहीं है, बस तो वो थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए, फिर अपनी बुद्धि उसमें लगा देते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा बोल रहे हैं, गुरु ने मुझे मूर्ख देखा, बोला तुम्हें वेदांत पढ़ने का अधिकार है, तुम क्या करो सभी समय पर हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम, बस पूरा जीवन हरे नाम के समर्पित चैतन्य महाप्रभु। और प्रयोजन क्या मिला? चैतन्य महाप्रभु की गंभीर लीला 18 वर्ष अंत के, जहाँ कृष्ण प्रेम में ऐसा महाभाव चैतन्य महाप्रभु ने प्रदर्शित किया कि जो राधा रानी के अलावा कोई प्रदर्शित कर ही नहीं सकता। तो ये लीला के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं, सारी लीलाओं में शिक्षा है। लीला का एक प्रयोजन है एंटरटेनमेंट, ठीक है, हम लोग को आकर्षण करने के लिए भगवान लीला करते हैं, लेकिन दूसरा मुख्य प्रयोजन है शिक्षा, शिक्षा देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं के उदाहरण से बताया है कि ये प्रवृत्तियों से मुक्त होना है, जिस प्रकार हमको निर्देश आ रहे हैं उनको पालन करना है। इसलिए भक्ति की परिभाषा रूप गोस्वामी क्या बताते हैं, ज्ञान कर्मादि अनामृतम, ज्ञान और कर्म से हमको मुक्त होना है। हमको लगता है हम मुक्त हो गए, मुक्त हुए नहीं। ये प्रथम तीन चरण जो है शाक्त शौर्य और दाम्पत्य, ये कर्म कांड में आते हैं, ये कर्म है। यद्यपि हमारी भावना है कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन इन भावनाओं से कर्म बंधन में ही पड़ रहे हैं, और कर्म के आधार पर कृष्ण कभी भी अपने आप को लिप्त नहीं करते, कृष्ण हस्तक्षेप नहीं करते, अपने कर्म बंधन ही हमको शुद्ध करते हैं। और आगे जो दो स्तर है शैव और वैष्णव, जो भौतिक अवस्था में वैष्णव धर्म, यह दो अवस्था आएंगी ज्ञान में, इनका प्रयोजन क्या होगा, 5 प्रकार की मुक्ति। और अगर वो प्रेम विहीन हुई तो फिर क्या होगा, उसको आचार्य ने बताया है स्पिरिचुअल सुसाइड। प्रभुपाद कई बार तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्त मुक्ति नहीं चाहता है यदि वहां सेवा नहीं हो, उस प्रकार से वह गंतव्य हमारा नहीं है। रूप गोस्वामी इसी को उपदेशामृत में दो तरह से बताते हैं, नियमाग्रह। प्रभुपाद अपने टीका में बताते हैं नियम अग्रह नियमाग्रह, एक कर्म है एक ज्ञान है। नियमों को नहीं मानना ये कर्म हो गया, नियमों की उपेक्षा करना ये कर्म हो गया। जहां हम लोग शास्त्र विरुद्ध क्रिया करते हैं और बंधन में पड़ जाते हैं, और जहां नियमों को तो पालन कर रहे हैं लेकिन भावना शुद्ध नहीं है, केवल कर रहे हैं नियम जैसे आदत की तरह, तो वह क्या हो गया, ज्ञान हो गया, यह भावना शुद्ध नहीं है। तो इस प्रकार से नियमाग्रह नियमाग्रह दोनों को छोड़ना है, और तब जाकर के हम शुद्ध कृष्ण प्रेम, जब बीज हमको प्राप्त हुआ है इसको सिंचित करते हुए ये भक्ति लता बीज बढ़ती है, बढ़ती हुई ये सारे लोगों से होके जाती है, कर्म स्तर के लोग हैं, ज्ञान स्तर के लोग हैं, आगे ब्रह्म लोक के बाद ब्रह्म ज्योति का स्तर के लोग हैं, ये सब स्तरों से हमारी भक्ति लता जाती है, मतलब इनको सबको हमको पार करना है। उसके वैकुंठ स्तर से जाएगी, मुक्ति के स्तरों से जाएगी, उसके बाद गोलोक वृंदावन पहुंचेगी और वहां इसका फल लगेगा जो राधा कृष्ण बरकत होगा। तो ये बहुत लंबा एक क्रम है। योगा लेडर जो हम बोलते हैं, कर्म कांड ज्ञान इत्यादि, लेकिन इसमें मुख्य बात है कैसे हम ऊपर तक जाएंगे, भाव ग्राही जनार्दन। धीरो वदति विष्णाय मूर्ख वदति विष्णवे उभयस्य समान पुण्यम भाव ग्राही जनार्दन। भगवान भाव को देखते हैं, मतलब भावना क्या है। हम अगर वही कर्म कांडीय भावना लेकर के बैठे हैं, ज्ञान कांडीय भावना लेकर के बैठे हैं, कैसे गोलोक वृंदावन तक पहुंचेंगे, या गोलोक वृंदावन तक नहीं भी पहुंचेंगे कैसे भक्ति करेंगे, कितना दिन भक्ति करेंगे। यह हमारा एक्लिप्स, इसको कृष्ण संहिता में बताया एक्लिप्स, ये ग्रहण लग गया हमारे भक्ति, जिस तरह ग्रहण लगने के बाद प्रकाश सूर्य का नहीं आ पाता है
उसी प्रकार हमारी भक्ति अभी प्रज्वलित नहीं हो पा रही है इस ग्रहण के कारण। इसीलिए हमें एक दूसरे को याद दिलाना चाहिए कि हमारा गंतव्य क्या है, हम इसको भूले नहीं। ये वास्तविक बोध अंतर परस्परम है। एक दूसरे को याद दिलाना वास्तविक है कि भाई साहब अभी आप गलत जा रहे हैं, या आपको अनर्थ आ गया, अभी आप वापस आ जाए। एक दूसरे को मदद करते हुए गंतव्य को याद दिलाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और इस प्रकार जो शिष्य प्रयास करेगा उसकी कम से कम चेतना में उसको पता है कि मेरा लक्ष्य यह है, भले उसकी अवस्था भी ये नहीं है, मानो हमारी अवस्था उस तरह नहीं है, हमारे अनर्थ बहुत सारे हैं, लेकिन लक्ष्य तो पता होना चाहिए कि हमको जाना कहाँ है, कहीं हमारा लक्ष्य ही ना खो जाए। उस भावना से जब हम गुरु की सेवा करते हैं, उस भावना से जब हम गुरु के पास रहते हैं, तो गुरु हमको शोधन करते हैं, वो सारे अनर्थों को साफ करते हैं, ये उनका काम है। लेकिन हमको उस तरह द्वार खोल के उनके लिए रखना पड़ेगा, उनके पास रहना पड़ेगा। वह कुत्ते के जैसा बार बार घूमने के लिए जाएंगे तो फिर बार बार पिटाई पड़ेगी मैं, लेकिन वहीं रखना है। बांधिया निकटे आमारे पाले को, रखी वो द्वारे पाले, मुझे बांध करके रखना अपने द्वार के पास। गुरु महाराज गाते थे ना, छोड़ के तेरा द्वार दाता और कहीं ना जाना, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं कर्म बंधन में नहीं जाऊँगा, ज्ञान में नहीं जाऊँगा, शक्त धर्म नहीं अपनाऊंगा, शौर्य धर्म नहीं अपनाऊंगा, आपके पास जाऊंगा। गुरु मुख पद्म वाक्य चिते दे करिया, एकमात्र मेरा ध्येय है आपकी सेवा करना, मेरे अंदर जितने अनर्थ हैं वो आपकी जिम्मेदारी। शिष्य का कर्तव्य है गुरु आज्ञा का पालन करें, फिर गुरु की जिम्मेदारी है वो शिष्य को कृष्ण तक लेके जाना। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों साइड से होना चाहिए, एक साइड से पार्टी ब्रेक करेगी, दूसरा कर भी सकती है नहीं भी कर सकती, कृपा हो भी सकती नहीं भी हो सकती, लेकिन यह सचेतना हमारे जीवन यह बहुत महत्वपूर्ण विषय हम लोगों ने 3 दिन चर्चा की। और यद्यपि मेरा अधिकार नहीं है इसको बोलने का, मैंने केवल इसको पुनरुक्ति की है, का ये सेमिनार दिया है भक्ति विज्ञान गोस्वामी महाराज ने। जैसे ही ILS इन वीडियोज को रिलीज करती है, अभी तक मेरे पास भी नहीं आई है, अगर रिलीज करती है तो आप लोग उस ओरिजिनल उसको सुनना, क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर और भी बातें बताई हैं, तो उन्होंने हमारे भक्ति जीवन के लिए कैसे महत्वपूर्ण। हरे कृष्ण, एक बात कहना चाहूँगा, देखिए भक्ति प्रगति करने के लिए राधा स्वामी महाराज कहते हैं कि भक्त के जीवन में जब तक किसी इंटरफेरेंस नहीं होगा भक्ति मार्ग नहीं बढ़ेगा। तो ये आपने सुना है विदाउट इंटरफेरेंस और डिवोशन यू कैन नॉट प्रोग्रेस डिवोशन। यस, लेकिन समझना ये बहुत जरूरी है, जब भक्ति प्रारंभ करते हैं शुरू किया तो अलग एक प्रवृत्ति 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 रहता है सबके लिए, बाद में शुभ ग्रहण का भेद होता है, ये सब सब आता है और ये बातें कहना जो सुनने वाले को पसंद नहीं है और फिर बहुत आवश्यक है, बहुत कठिन विषय है। सभी लोग अगर प्रचार है हम सब लोग प्रचार करने की चेष्टा करते हैं और उसमें उन बातों को ही कहना कि जो हमें पसंद नहीं सुना, इसकी बहुत दृढ़ता और साहस और विनम्रता बहुत कर्म की आवश्यकता होती है। शिक्षक लोगों के कि उन्होंने इस प्रकार की बातों को कहने का साहस उन्होंने किया, इतनी लॉट ऑफ करेज, लॉट ऑफ हम्बलनेस, लॉट ऑफ कंपैशन, क्योंकि किसी को सुधारे के लिए जब कोई व्यक्ति कुछ बात कहता है तो दोनों में पेनफुल होती है। जब किसी को डांटता है ना तो इसको डांट पड़ती उसको पेनफुल होती है, लेकिन डांटता है उसको क्या होता है। बहुत आदानी कृष्ण के लोग थे, उन्होंने इतनी सुंदर तरीके से बताया, इतनी साहस करके, इतनी विनम्रता के साथ में, इतनी करुणा के साथ में, गंभीरता के साथ में, इन्हें मैं तो ये कहूँगा कि इन चीज़ों को बार बार सुने। अभी हमने आज का क्वेश्चन दिला था, ध्यान से दिला था, क्यों? क्योंकि ऑनलाइन सुनने में और टाइम सुनने में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है आपको दिलाया? एक्चुअली जैसा भी गुरु जी ने कहा, गीता का सार क्या है? तो जब हम यहाँ आते हैं क्लास सुनने के लिए,
तो हम क्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं, कृपा प्राप्त करने के लिए आते हैं? नहीं, जो बात है सच्ची होगी, झूठ मत बोलो। रियलाइजेशन प्राप्त, तीन चीजें होंगी, ज्ञान, रियलाइजेशन और कृपा। कोई ज्ञान प्राप्त करने आया है, कोई रियलाइजेशन प्राप्त करने आया है, और कोई कृपा मिलती है दृष्टि पास। अभी आपकी क्लास में कोई जन आ जाता है, उसने सुना या नहीं सुना, ध्यान दिया या नहीं दिया, ध्यान देने वाले उन्हें सुना है, जैसे आया तो खुशी हो गई, कृपा मिली नहीं। तो विचार कर लीजिए, आपको ऑनलाइन मिल लीजिए क्या, या रिलेशन में कृपा बढ़िया कर इसको हमेशा सोचना है। गुरु शिक्षा गुरु साथ में चलते और चैतन्य चरितामृत में तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी शिक्षा गुरु का महत्व ज्यादा बताया है। प्रथम अध्याय में अतः आदि लीला स्पिरिचुअल मास्टर्स जो चैप्टर है फर्स्ट गुरु का पूरा वर्णन करते हैं। शिक्षा गुरु का महत्व ज्यादा बताया है। शिक्षा गुरु को बताया संबंध के लिए, लेकिन अभिनय के लिए बताया जो मुख्य बात है वह बताया है शिक्षा रूप। ये शिक्षा रूप राधा गोविंद के प्रकाश बताए, राधा मदन मोहन के प्रकाश शिक्षा रूप बताए। तो शिक्षा गुरु को लेकर के चलना चाहिए। शिक्षा गुरु कौन है? वास्तव में सारे विश्व शिक्षा गुरु है। यह भावना नहीं होनी चाहिए कि यह मेरे गुरु है, यह मेरे गुरु नहीं है, इनकी बात मैं सुनूंगा इनकी नहीं सुनूंगा। सारे ही शिक्षा गुरु, सारे विष्णु हमारे शिक्षा गुरु हैं, लेकिन उनमें से एक विष्णु को हमको अपना जिम्मेदारी देना चाहिए, अधिकार देना चाहिए कि उनको डांट सके। हो सकता है सारे विष्णु ना डांटे, शिक्षा गुरु तो है लेकिन ना बात बताए, ना कान पकड़े। भागवत में लिखा है कर्णधार, कर्णधार मतलब नाव चलाने, कर्णधार एक और है कर्णधार, कान को पकड़ने वाला। तो गुरु का ही अर्थ है कान पकड़ने वाला, सारे विष्णु हो सकता है ना पकड़े। एक शिक्षक गुरु को ये अधिकार देना चाहिए, ये हमको देना है अधिकार। कैसे अधिकार देते हैं? पूछ करके, अपनी समस्याओं को बता करके, अच्छा कर रहे हैं तो भी बताइए, बुरा कर रहे हैं तो भी बताइए, बताने में आशीर्वाद लेने में क्या दिक्कत है? इससे हमारी भक्ति की वृद्धि होने वाली है। तो इस तरह कोई तो वैष्णव ऐसा होगा जिसको हम झुक सकेंगे, जिसके सामने हम समर्पण कर सकेंगे। क्या हमारी स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि एक भी वैष्णव उस तरह नहीं दिखता है? यह तो फिर बहुत ही गंभीर अवस्था है।
किसी एक वैष्णव के ऊपर कम से कम हमारा उसका विश्वास हमको अधिकार है। वह गुरु तत्व को हमको बहुत क्लियरली समझना है। शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु सब मिल के एक जीवात्मा का उद्धार करते हैं। बोलते हैं ना, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। एक एक केवल दीक्षा गुरु का काम नहीं है, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु चैत्य गुरु संस्थापक आचार्य सब मिल के एक जीवात्मा का उद्धार करते हैं। उस तरह हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जिंदगी हमारे बच्चों का हमको अनुभव होगा। कई बार बच्चे गलती करते हैं, बताते नहीं, तो क्या डर लगता है, पापा डांटेंगे। लेकिन फिर और बड़ी समस्या में पड़ जाते हैं। मानो किसी को मार पीट के आए, घर में बताया नहीं कि पापा डांटेंगे, बाद में बाजार गया और चार पांच आदमी ने मिलकर उसको मार दिया। ये हमारी स्थिति हो जाती है। तो बताने में क्या समस्या, डांटेंगे तो डांटेंगे, मदद भी तो करेंगे। तो उस तरह वैष्णव के पास जाकर मदद मांगना चाहिए, इस तरह अधिकार देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कोई ये थोपा जाए, ये हमको अधिकार देना पड़ेगा। हमको किसी वैष्णव जिससे भी हमको प्रेरणा मिले अधिकार दे कि हमारी आप मदद कीजिए, हमको आप डांटिए। बोलने से भी काम नहीं चलेगा, फिर वो डांटते हैं तो नाराज हो जाता है, बोल के जाते हैं फीडबैक देंगे। सबके साथ होता है, मानो आपने क्लास दी, क्लास के बाद लोग पूछेंगे फिर मेरी क्लास कैसे, फीडबैक ऑनेस्ट फीडबैक देना पड़ेगा। ऑनेस्ट फीडबैक दे देगा फिर नाराज हो जाएगा। फिर अधिकार दिया है तो उसको स्वीकार भी करना चाहिए। आपने बताया कि शिक्षा गुरु नए होते हैं, सत्य प्रसंग शिक्षा शिक्षा बाहर के भक्तों से भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ अलग अलग एक सूरत में सब एक समाज जैसे लोग हैं और ये क्या हमारे सच्चे लोग हो सकते हैं। इसी तरह दर्शनों से भी हम लोग शिक्षा लेते हैं, तो फिर कई बार कॉम्प्रोमाइज भी होती है, क्योंकि हमें सूरत में काम करना है, सूरत में भक्ति करनी है। दोनों वस्तुओं को समझना पड़ेगा। इसको बोलते पैरेलल माइंड सेट अथॉरिटी। यह अभी जीवीसी में बहुत बहुत डिस्कशन होता था गुरुमाज के समय में। हम जब टाइप करते थे ये इशू के ऊपर ही बहुत लेटर आते थे। इसमें समस्या क्यों होती है, क्योंकि हमारा कंसेप्ट एक गड़बड़ है कि हमको लगता है कि हम ऐसी संस्था में हैं जहां हम स्वतंत्र भक्ति कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसी संस्था में हैं जिसमें हम एक समुदाय के साथ भक्ति कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमारे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु इत्यादि ने कुछ ऐसी बात बताई है जो समुदाय से थोड़ी अलग जा रही है, तो उसको हमको लोकल अथॉरिटी के साथ कंफर्म करके आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग भी जब पुणे में थे, उधर सब राधानाथ महाराज के शिष्य थे, तो उनका एक अलग तरीके का मूड है। हम लोग कुछ और सीख के गए थे, तो वहाँ जाकर के हमें कर्तव्य नहीं दिखे। पहली बार जब भक्ति प्रेम महाराज आए बहुत एंथुसियास्टिक हुए, राधेश्याम को ईमेल लिख दिया, अंतरदीप्रो को ईमेल लिख दिया, महाराज के शेड्यूल बना दिया। महाराज ने आकर के हम खूब डांटा, तुम क्या दिखाना चाहते हो, तुम उज्जैन के बंदर हो या आके कर्तव्य दिखा रहे हो, जहां हो डू इन रोम एज रोम मस्ट डू। उससे गुरु ज्यादा प्रसन्न होता है और वो क्लैरिफाई किया जा सकता है। मान लो कोई शिक्षा गुरु से बाहर से प्रेरणा भी ले रहे हैं, उनको बताना चाहिए कि नहीं हमारा लोकल मंदिर में इस तरह होता है, तो क्या इस तरह अलग से कुछ करना चाहिए। तो फिर हम खुद ही आपको बोलेंगे नहीं ये ठीक नहीं। अगर कोई मैच्योर वक्त है तो कभी आपको समुदाय से अलग जाने की प्रेरणा कभी भी नहीं देगी। सिंपल सिंपल चीजें जैसे डांस, उज्जैन का डांस अलग तरह से होता है, पुणे में अलग तरह से डांस होता है, हमने वहां जाकर ठुमके लगाना शुरू कर दिए, तो ये क्या हमारे गुरु को प्रसन्न करेगा। वहां का जो सिस्टम है उसको फॉलो करना चाहिए। ये मैच्योरिटी है। हम लोग मान लीजिए कोई दूसरे के घर में भी जाते हैं, तो वहां पूछते हैं हाथ कहाँ धोना है, पूछते हैं ना अपने मनमाने ढंग से कहीं भी धो लेते हैं, प्लेट कहाँ रखना है हम पूछते हैं, तो इससे मैच्योरिटी कट से। तो उसी तरीके से जो समुदाय में है उनके नियमों का पालन करना चाहिए, उससे वैष्णव समाज में एकता है।
नहीं तो सब टूट जाएंगे। वह मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़े, अथॉरिटी को साथ में लेके चले। जब मायापुर में थे बहुत सारे भक्त कंप्लेन लेके आते थे, तो गुरु महाराज सुनते भी नहीं थे, पहले डांट के बुला देते थे मेरे पास इस तरह मैनेजमेंट कंप्लेन लेके नहीं। उसका कारण ये था कि जिसका अधिकार है उसको पूछना चाहिए, वहाँ के अथॉरिटी में जाके बोलिए कि आप उनके नहीं हैं। इसका मतलब आप उनके नहीं हैं क्या? गुरु महाराज का मतलब यही था कि मायापुर अथॉरिटी आपको मदद नहीं करेगी क्या? उनको जाके बोलिए आपको क्या लग रहा है, फिर कुछ मदद चाहिए तो मैं मदद करूँगा। ऐसी मायापुर उज्जैन में व्यास को जाके आपको इतिहास, एक भक्त बोलता है कि यहाँ देखिए प्रभुपाद के कितने चित्र हैं, मायापुर में एक भी चित्र नहीं लगाते हैं। बड़ा क्रोधित हो गए थे, कितना क्रोधित हो गए। वांट टू डू पॉलिटिक्स हियर, मायापुर की बात यहाँ क्यों कर रहे हो? उज्जैन में कुछ कराना है, यहाँ मुझसे बात कर, मायापुर की बात मायापुर में कर। तो ये मैच्योरिटी हम लोग के अंदर आना है, बचपना छोड़ना चाहिए। या तो ये बचपना है या ये क्रूडनेस है, दो ही चीजें, इन दोनों में हमारे लिए खराब है। हमारा जो रिवेंज होता है, जो प्रॉब्लम होती है ना, वो प्रायर के लोगों अथॉरिटी से उसकी होती है, क्योंकि वो हमको सोचते हैं इसकी ऐसे नहीं, ऐसे प्रॉब्लम आ गई नौ के लोगों। अभी बाहर के जो प्रसाद आते हैं वो टेम्परिंग करते हैं। मैं वही तो कल बोला था, जो लोग बोलते हैं गुरु महाराज बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेमी, वो इसलिए बोलते गुरु महाराज के पास कभी रहे नहीं। जो पास पे रहे उनसे पूछना चाहिए कैसे थे। तो लोकल अथॉरिटी क्यों अच्छी नहीं लगती है? और मान लीजिए कुछ दोष है भी, जैसा हम चर्चा कर रहे थे, तो क्या हम परिवार को छोड़ देते हैं? हमको मदद करना चाहिए, एक साथ मिलकर हमको भक्ति करना है। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन है पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने के लिए। तो आपस में ही हम टूटे रहेंगे, क्या विश्व को जोड़ेंगे? लोग बोलेंगे पहले अपना घर बचाओ, फिर आप दूसरों को प्रचार करें। प्रयास, सबका प्रयास करना चाहिए, सबको प्रयास करना चाहिए। बहुत कठिन है, मैं यद्यपि बोल रहा हूँ, मैं अभी उज्जैन जाऊँगा, कल हमारे डिपार्टमेंट मीटिंग है, फिर मुझे मेरी परीक्षा होगी। तो ये बहुत कठिन है, लोकल सबको एक साथ लेके चलना, लेकिन प्रयास करना चाहिए। लोग गुरु महाराज के पास बोला उज्जैन जाते हैं तो ऐसी इच्छा रहती है कि इतने दूर आए तो महाकाल के दर्शन करते हुए जाए, तो उसको हम क्या माने कि हम अभी भी मोक्ष की प्राप्ति की कामना कर रहे हैं? यह पूरे सत्र में एक ही बात हमको देखनी है, ये चेतना के स्तर है, हाई स्तर है। आप महाकाल के दर्शन करने जाइए, वहां भी बोले ना धनम ना जनम ना सुंदर, शुद्ध भक्ति। राधा कृष्ण के सामने खड़े होकर बोलेंगे ये झंझट से मुझे मुक्त कर दो, शैव धर्म हो। ये चेतना के स्तर है, बाह्य अवस्था से नहीं। चेतना महाप्रभु दर्शन भारत गए, सब जगह शिव मंदिर में जाकर के हरिनाम संकीर्तन किया, तो उस तरीके से मंदिर में जाने में कोई समस्या नहीं है। चेतना का स्तर शुद्ध होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम सीनियर भक्त कभी आते हैं तो क्या उनके दर्शन करने नहीं जाते? भगवान शिव कौन है? वैष्णवानाम पर यथाशंभु, तो भगवान शिव को दर्शन करने में जाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो चेतना होनी चाहिए। हाँ ये वैष्णव है, कृष्ण दिते पर, कृष्ण से तो मार, कृष्ण आपकी संपत्ति आप कृष्ण दे सकते हैं, वह प्रार्थना करके जाना चाहिए। किसी को कोई भी ऐसे कृष्ण दर्शन की से तुमने पूछा क्या? तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन पूछिए ऐसे प्रश्न यहाँ पूछिए, कोई प्रश्न का साधन नहीं, कुछ बार प्रश्न नहीं पूछिए, अपने कम अपने जो भी संदेह हो किसी चीज के बारे में कुछ बहुत जल्दी कर सकते जो जिस स्तर पे है उस स्तर पे क्रिया करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम बीमार होते हैं तो क्या हम डॉक्टर के पास नहीं जाते? शुद्ध भक्त तो नहीं जाते। जो मानो सनातन गोस्वामी बूढ़े हुए तो क्या डॉक्टर के पास गए क्या? हरिदास ठाकुर बीमार हुए उठ नहीं पा रहे हैं तो क्या भगवान को हरिदास ठाकुर गए डॉक्टर के पास? हम क्यों जाते हैं? क्योंकि पहली बात होगी जब बीमार हुए माला बंद कर देंगे, उन्होंने माला बंद नहीं की, समर्पण का स्तर। तो ये जो सारी वस्तुएं हैं, अगर हमें लग रहा है
कि हम उस स्तर पे नहीं है, कर रहे हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज्योतिष भी एक विज्ञान है, शास्त्र से आयुर्वेद इत्यादि विज्ञान है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि इसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं। ये जो इसमें एक लाइन लास्ट में जोड़ देना कि ये होगा तो आप भक्ति अच्छे से कर पाएंगे, ये गारंटी नहीं है। मान लो सब कुछ ठीक हो गया, कृष्ण को भूल गए, ये गारंटी कौन लेगा? यह सोच के करना चाहिए कि ठीक है, मैं कर रहा हूँ, मेरा स्तर नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा, स्वस्थ हो जाऊंगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन भक्ति की गारंटी लेने वाले आचार्य बैठे हैं, वो गारंटी कोई ले सकते हैं कि भक्ति कैसे अच्छी हो? उनके अलावा और कोई ज्योतिषी, कोई वैज्ञानिक ये सब नहीं ले सकते। ये मन में क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कर रहे हैं, करते रहिए। हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, ये सब क्रियाएं भी करते हैं, प्रभुपाद भी अंगूठी इत्यादि पहनते थे, लेकिन कहने का मतलब है इससे भक्ति का कोई संपर्क नहीं है, ये समझना है। वो 500 रुपया लेके हाथ देख रहा है, तो खुद क्यों पैसा ले रहा है? ये बात हम क्यों भूल जाते हैं? कई फुटपाथ पे बैठते हैं, 50 रुपए में भविष्य देखो, तो फुटपाथ में क्यों बैठा है 50 रुपए? तो वो स्पेंड हमने बढ़ाया उसके स्पेंड। यदि वो इतना अच्छे ज्योतिषी है तो पैसे की उसके पास अभाव ही नहीं होना चाहिए, क्यों 11,000 रुपये 50,000? और मुख्य बात है, मान लीजिए इस सब का काम होता है 100% होता है, लेकिन भक्ति से उसका कोई लेना देना नहीं है, ये सुनना समझना चाहिए। पिक्चर क्लियर? इसमें मान लो आप एक सिंगल बेड में सोते हैं, डबल बेड में सोते हैं, 5,00,000 के बेड में सोते हैं, ये आपका पर्सनल कंफर्ट, इसका कोई भक्ति से मंगल आरती से कोई लेना देना है नहीं है। इसी तरह नींद का भी कोई मतलब नहीं, नींद से भी कोई मतलब नहीं, ये मेंटल स्टडी है। तो उस तरह से ये समझ क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल होता है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए व्यक्ति को, कि आप जो ये सोच रहे हो, आपने जो लाइन जोड़ दी कि आप ये ठीक हो जाएगा तो आप भक्ति भी अच्छे से करेंगे, ये मार्केटिंग लाइन है, ये ज्योतिषी का मार्केटिंग लाइन है, इससे भक्ति का कोई लेना देना नहीं। कि सुदामा की भक्ति दरिद्रता में अच्छी नहीं हो रही थी, कि पांडवों की भक्ति वन में अच्छी नहीं हो रही थी, प्रहलाद की भक्ति नहीं हो रही थी। देखो इस्कॉन के भक्त सभी करे, डेंटिस्ट है, इसका मतलब ये थोड़ी मेरे नाम जब बन करके दाती घिसेंगे। इस्कॉन का प्रचार जैसे बढ़ेगा सभी काम इस्कॉन भक्त करेंगे, बाद में जल्लाद भी इस्कॉन भक्त होगा, इसका मतलब ये नहीं कि फांसी बंदा लगाना कृष्ण भक्ति हो जाएगी। लेकिन हमको ये देखना है, वही इसलिए इतना चर्चा आपने की, शुद्ध भक्ति से हम डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। ठीक है, हम क्रियाएं कर रहे हैं, करते रहे, कोई बात नहीं, लेकिन लक्ष्य पता हो कि हमारा लक्ष्य है शुद्ध भक्ति, वो मैं तो ऑनलाइन से चिपक गए हैं, हम अब निकल नहीं रहे हैं। दिक्कत कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा ज्ञान मार्ग की बात है कि वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन नॉलेज, थोड़ा पॉइंट मिल जाएगा, थोड़ा नोट्स बना लेंगे, फिर बाद में लेक्चर देंगे तो एग्जांपल कोट करेंगे, ये ज्ञान मार्ग की बात है। भक्तों के पास आना, यहाँ पर दंडवत करना, ये भक्ति है। नमस्कुरु, प्रणाम करना, भगवान को प्रणाम करना, प्रभुपाद जी को प्रणाम करना, भक्तों के पास बैठना, बैठ के सुनना, ये जो 64 अंग बताए रूप गोस्वामी ने, ये महत्वपूर्ण है भक्ति के लिए। नहीं तो रूप गोस्वामी बोलते कि घर में बैठ के किताब पढ़ो, 64 अंग क्यों बताएं, चरणामृत लेना इत्यादि। इसलिए मंदिर आकर के श्रवण करना जरूरी है, थोड़ा तो अपने आप को कुछ
करना पड़ता है। बुरी आदतें जल्दी लग जाती हैं, अच्छी आदतों में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं बहुत सारी बातें बोल गया लेकिन ये सब रिपीट कर रहा हूँ, मेरा कुछ अनुभव नहीं है, तो आप लोग क्षमा कर दें। और जो बोलते हैं उसकी परीक्षा भी होती है, तो आपका आशीर्वाद मेरे लिए जरूरी है।